हाय गाइस, दिस आदित्य प्रकाश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस कैसे आप लोग, आई होप लोग डूइंग वेल। आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस, जो भी स्टूडेंट्स जिस भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, क्योंकि आज आप लोगों का 3 अगस्त है और आज से आप लोगों का सेकंड राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है गाइस, जो कि आप लोगों का फर्स्ट राउंड का जितना भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, जितना भी एडमिशन प्रोसेस था, अलॉटमेंट प्रोसेस था, सारा चीज़ आप लोग 31 जुलाई तक क्लोज हो गया गाइस। और आज से आप लोगों का सेकंड राउंड स्टार्ट हो गया जिसमें आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है और 12 अगस्त तक आप लोगों का सीट अलॉटमेंटर भी आ जाएगा जहाँ तक हमको उम्मीद है, और 19 तारीख तक आप लोगों का टाइम दिया गया। इस बीच आप लोगों का सारा एडमिशन प्रोसेस करवाना है जिस कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होगा, जिसमें आप लोगों का अलॉटमेंट होगा, ठीक है गाइस। तो आप लोगों को 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आप लोग अच्छा से सारा चीज़ कीजिएगा, अच्छा देख सोच समझ के सारा चीज़ कीजिएगा। बाकी आप लोग कोई टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, बस आप लोगों का एक ही काम करने का जरूरत है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लीजिए कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी आप लोग गाइड करने के लिए तो हम हैं ही, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए गाइस आगे आप लोग बताते हैं और कैसे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, सारा चीज़ कैसे प्रोसेस करना है, वो सब आप लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और गाइस जब आप लोगों के लिए बहुत एक अच्छा गुड न्यूज़ है, आप लोगों का रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन आने लग गया गाइस। तो बहुत से लोग पूछ रहे थे कि भैया रिफंड प्रोसेस कब आएगा, कैसे ऑप्शन आएगा, कैसे रिफंड करना, तो आप लोगों का बहुत ही डाउट था स्टूडेंट लोगों का। चलिए गाइस इस वीडियो में सारा चीज़ डाउट आप क्लियर कर देते हैं और कैसे रिफंड प्रोसेस करना है, कैसे आप लोगों को बैंक डिटेल्स भरना है, सारा चीज़ आप लोगों का बताते हैं। तो कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा और आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट है गाइस कि पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा आप लोगों की, कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहे, आप लोग कुछ भी कमेंट करने का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आप लोगों का सारा क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो आप लोग को हम देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी थोड़ा दिक्कत है गाइस, अभी तक BRD सिंदरी ने अपना ऑफिशियल अभी जितना वैकेंट मैट्रिक्स है, जितना सीट बचा हुआ है, अभी तक लॉन्च नहीं किया है, जो कि आप लोग बोला गया था कि 1 अगस्त तक आप लोगों का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, वैकेंट सीट मैट्रिक्स आप लोग जिस भी काउंसलिंग अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ। तो अभी तक जो आप लोगों का न्यूज़ आप लोग पिछले वीडियो में दिखाए थे कि अप्रॉक्स 450 स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन किए हैं, एडमिशन किए हैं BRD सिंदरी में, और बाकी आप लोग 200 से 250 सीट अभी तक BRD सिंदरी में खाली है, वही आप लोग जो न्यूज़ था वही आप लोग अभी तक बताएं। तो गाइस अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ आप लोगों को क्लियर किए हैं। इस वीडियो आप लोग नहीं बताएं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आगे चलिए आप लोगों को मेन पॉइंट पर लेकर चलते और आप लोग बताते हैं कैसे आप लोगों को रिफंड प्रोसेस सारा चीज़ करना है, ठीक है गाइस। तो पूरा वीडियो करते देखते रहिए। सो गाइस अपना कंप्लीशन पे आ चुका है, किसी ने बिजलो चले गए, आगे डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। और गाइस इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला है, तो स्किप मत कीजिएगा, आप लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से सुनते रहेगा, कुछ भी आप लोगों को डाउट नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों का पैसा का बात है गाइस, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। रिफंड प्रोसेस का दिक्कत हो रहा है, फिर आप लोग बाद में कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है गाइस। तो चलिए देख सकते हैं आप लोग, जैसे देखिए जिस वेबसाइट तो आप लोग विजिट किए होंगे, तो बस आप लोग जिस वेबसाइट विजिट करना है, फिर आप लोग देखिए यहाँ पर आना, अपना ऑनलाइन काउंसलिंग पर क्लिक करना है, उसके फिर आप लोग ये सब जो चीज़ आप लोग किए होंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सब करते हैं, देखिए फिर आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर इंजीनियरिंग एडमिशन पर क्लिक करना है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और देखिए जैसे आप लोग फर्स्ट राउंड में एडमिशन तो कर ही लिए होंगे, रजिस्ट्रेशन तो किए होंगे, कुछ आप लोग करने की जरूरत नहीं है। और खाली अगर आप लोग सेकंड राउंड में फिर से आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब अगर पहले से आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन किए थे सेकंड राउंड में, तो फिर से आप लोग क्लिक करके यहाँ पे क्लिक हेयर करके आप लोगों को न्यू लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करवाना है। आप लोग अपने एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और जो कि आप लोग न्यू बन के आए सेकंड राउंड का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों का है, और कैप्चा डाल के अपना न्यू आप लोगों को जो भी मोबाइल नंबर जो दिए होंगे उस पर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड आप लोगों का आ जाएगा, और वो जो पासवर्ड और अपने एप्लीकेशन नंबर आएगा उसको आप लोगों को यहाँ पे कैंसिल करके फिर आप लोगों को यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आएगा, यही साइन इन पे आप लोगों को ऑप्शन जाके यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, सेकंड राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन किए हैं, उसको आप लोगों को ये प्रोसेस करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बता दिए, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ से फिर आप लोग लॉग इन करना है, जैसे हम लॉग इन करके बताते हैं कोई भी स्टूडेंट का, जैसे लॉग इन किए यहाँ पे हम, तो जैसे बताते चलिए आगे कैसे आप लोगों को प्रोसेस करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग अभी लॉग इन करते हैं, कैप्चा डाल लेते हैं 884, यहाँ से अपना साइन इन करेंगे। देखिए यहाँ से आपको हो गया लॉगिन, ठीक है। लॉगिन करने के बाद चलिए बताते हैं आगे आप लोगों को कैसे रिफंड प्रोसेस करना है और क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, सब चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट राउंड में तो आप लोगों का अलॉटमेंट हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ के आप लोग चेक अलॉटमेंट स्टेटस में जाकर देख सकते हैं। अगर मान लीजिएगा आप लोगों को भी अलॉटमेंट हुआ होगा, तो यहाँ से आप लोग जाकर चेक अलॉटमेंट स्टेटस का देख के फेज़ 1 यहाँ पे आ रहा राउंड 1 का ऑप्शन, ठीक है। तो राउंड 1 में जाकर अपना देख सकते हैं कि आप लोग कोई सीट अलॉटेड हुआ है कि नहीं हुआ, जैसे कि के स्टूडेंट का यहाँ पे कहीं पर अलॉट नहीं हुआ था तो लिख दिया कि यू आर नॉट अलॉटेड इन दिस फेज, ठीक है। अगर आप लोगों का अलॉटमेंट हुआ होगा तो वहाँ पर शो कर जाएगा। एडमिशन समरी भी दिया हुआ गाइस यहाँ पे, अगर आप लोग एडमिशन ले लिए हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे दे दिया जाएगा कि करंट स्टेटस में दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा एडमिटेड। और अभी तक आप लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, अगर आप लोगों को राउंड 1 तक दिख रहा है तो फिर आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं, या फिर आप लोगों को नॉट अलॉटेड लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे सारा चीज़ प्रोसेस हो गया, जो मेन पॉइंट था चलिए होगा इस आप लोगों को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोग पेमेंट प्रोसेस को ही ऑप्शन देगा, उसके बाद ही सब प्रोसेस खुलेगा। तो पहले आप लोगों को 400 रुपये आप लोगों को काउंसलिंग फीस देना है, और जो भी लोगों को डाउट हो रहा था कि फिर से सिक्योरिटी मनी देने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप लोग क्लियर कर देते कुछ भी आप लोगों को सिक्योरिटी मनी देने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सेकंड राउंड में आप लोगों को चॉइस फिलिंग खाली 400 रुपये आप लोगों को देना पड़ेगा, या फिर आप लोग SC ST है, फिर आप लोग अगर
गर्ल्स कैटेगरी तो 250 रुपीज़ आप लोग देना पड़ेगा। और गाइज अगर आप लोग अभी तक फर्स्ट राउंड तक आप लोग काउंसलिंग नहीं किए हैं, अगर आप लोग चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी नहीं पे किए, तब फिर आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोगों को सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी पे करना पड़ेगा। और एक बार आप लोग सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिए हैं तो फिर आप लोग पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान सुनते रहिए गाइज, आप लोगों को बहुत सारी पॉइंट बताएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों की पॉइंट कि जो भी लोगों को डाउट हो रहा था कि फिर सिक्योरिटी मनी देने का जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो आप लोगों को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा एक बार आप लोग अगर दे दिए हैं तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग फी पे करना 400 रुपया, तो यहाँ तो पे कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को फ्री टू पे 0 रुपीज़ लिखा गया। अगर आप लोग पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 400 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और सेव नेक्स्ट करके आगे आप लोगों को पेमेंट प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेमेंट करना तो आसानी है, अपना UPI ID डाल के पेमेंट कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला हमको जहाँ तक लगता है। ठीक है, अभी तक तो आप लोग पेमेंट करना सीख ही गए होंगे। बाकी देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी का ऑप्शन आएगा। अगर मान लीजिए अगर अभी तक सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी नहीं पे किए हैं, पहला बार अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 रुपया अगर आप लोग ST या SC ST या फिर आप लोग अगर गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते तो, और अगर आप लोग BC1, OBC, BC1, BC2 या EWS जनरल कैटेगरी से, सॉरी EWS, BC1, BC2 से 3500 रुपीज़ और जनरल कैटेगरी के लिए 5000 रुपीज़ आप लोगों को पे करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ये सब सारे चीज़ डिटेल में पहला वीडियो एक तो बनाए थे उसमें भी आप लोगों को बता दिए थे। ठीक है, लेकिन फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं कि कुछ अगर कुछ भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए फिर आगे आप लोगों को देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी पे कर देंगे तो यहाँ पे कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ आप लोगों का पहले से लिखा जाएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी पे करने का जो होते हैं डायरेक्टली आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स दिख रहा है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डिटेल्स डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन खुल जाएगा। और अभी तक आप लोग पे नहीं किए होंगे तो फिर आप लोगों को पे करने की जरूरत पड़ जाएगा। यही चीज़ था इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, कि अगर आप लोग पे नहीं किए तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को खुल जाएगा। अब देखिए सेकंड जो आप लोगों को बताने वाले थे जो रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे आप लोगों को रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन आ चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा हुआ बैंक अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोगों को सारा चीज़ खुल गया। यहाँ पे जो भी आप लोगों का अपना अकाउंट नंबर है, अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, अपना बैंक का FC कोड, बैंक नेम और ब्रांच नेम, ये सब सारा चीज़ में भर देना है। ठीक है, और देखिए आप लोगों का अगर यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को बैंक का पासबुक। ठीक है, बैंक का पासबुक जो आप लोगों का जो फर्स्ट जो फोटो आता है, फोटो रहता है उसमें आप लोगों का अकाउंट नंबर लिखा रहता है, FC कोड लिखा रहता है, सर जो लिखा रहा है उसको आप यहाँ पे जाके अपलोड करना है। ठीक है, या फिर आप लोग चेक का फोटो कर सकते हैं या फिर बैंक पासबुक कर सकते हैं। रिकमेंड करेंगे कि आप लोग बैंक पासबुक का ही फोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों का था बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने का ऑप्शन, ये आप लोग रिफंड प्रोसेस है। और अगर आप लोग रिफंड प्रोसेस करवाना तो फिर अपना अच्छे से बैंक सारा चीज़ डिटेल्स भर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो अगर सेकंड राउंड तक आप लोगों के पास ऑप्शन दिया गया, ध्यान सुनिएगा जो आप लोग आगे हम बताएंगे। ठीक है, देखिए जैसे आप लोग बताते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे बहुत लोगों को डाउट हो रहा है कि मान लीजिए अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड राउंड पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, आप लोग खाली रिफंड प्रोसेस करना, तो फिर तभी भी आप लोगों को 400 रुपये पे करके आप लोगों को रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन करवाना पड़ेगा। इस लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा होगा, आप लोगों को दिक्कत भी रहा कि मान लीजिए आप लोग फर्स्ट राउंड में एडमिशन कहीं और ले लिए, अब सेकंड राउंड में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना, डायरेक्टली आप लोग रिफंड करवाना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को काउंसलिंग फीस आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा। काउंसलिंग फीस पे करेंगे उसके बाद ही आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन आप लोगों को खुलेगा। जैसे उस लोगों को डाउट हो रहा होगा तो आप लोग क्लियर कर देते हैं, आप लोगों को 400 रुपये आप लोगों को पे करने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बोले थे कि आप लोगों को एडमिशन लेना है तभी आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, और एडमिशन नहीं लेना तो फिर आप लोग चॉइस फिलिंग मत कीजिएगा। इसलिए क्योंकि ये लोगों ऐसा कर दिया गया है कि पैसा आप लोगों को पहले से मांग लिया जा रहा है, इसलिए आप लोगों को बताए थे। और इस बार भी आप लोगों को बता रहे, रिकमेंड करिएगा, इस रिक्वेस्ट है मेरा कि सेकंड राउंड में जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करिएगा वही करिएगा जिसको एडमिशन लेना है। मान लीजिए अगर आप लोगों को BIT सिंधी में ही एडमिशन लेना और कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, BIT सिंधी का ही कॉलेज को भरिएगा सारा ब्रांच को, अदर कॉलेज को मत भरिएगा। क्योंकि अगर आप लोग दूसरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, दूसरा ब्रांच में आप लोग अलॉटमेंट हो गया, तो फिर अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर बाद में आप लोग रिफंड प्रोसेस में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग बता रहे कि सीट चेक के आप लोग मत रखिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरा, क्योंकि बाद में आप लोग रिफंड प्रोसेस का दिक्कत होगा। तो अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, 3500 का रिस्क लेगा, 5000 का रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट को रिफंड प्रोसेस करवाना है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, उसी कॉलेज को भरिए, उसी ब्रांच को भरिए जिसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है। अदरवाइज दूसरा ब्रांच को, दूसरा कॉलेज को मत भरिए, और दूसरा बच्चे लोगों का ऑप्शन दीजिए कि नीचे वाला जो बच्चे आप लोगों से वो लोगों को अलग सीट मिल जाए। ठीक है, तो ऐसा आप लोग कीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों का अकाउंट डिटेल्स भर लीजिएगा, रिफंड प्रोसेस कर लीजिएगा, और सेकंड राउंड तक ही आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा। अगर मान लीजिए अगर आप लोग सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, अगर आप लोग सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है कोई ब्रांच, और सेकंड राउंड में भी अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते, तो फिर आप लोगों क्या होगा, थर्ड राउंड में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आप लोग रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आएगा और आप लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग फिर से रिपीट कर दे रहे गाइज कि जो भी लोगों को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस ब्रांच में एडमिशन लेना है, वही ब्रांच भरे, अदरवाइज कोई अदर कोई कॉलेज नहीं भरे कि बाद में आप लोगों को छोड़ना पड़े, उसमें एडमिशन लेना का जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो इसी कीजिएगा ध्यान से। तो आप लोग सारा बैंक डिटेल्स भर लीजिए गाइज, उसके फिर आप लोगों को देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट लिस्ट ऑप्शन का। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप लोग जाके सिलेक्ट ब्रांच करके जो भी आप लोगों का ब्रांच था, जैसे आप लोग फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किए थे वैसे आप लोग करना है। जो भी आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो लेना है यहाँ पे देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्लिक कर सकते हैं। ऑन इंस्टीट्यूट में अगर आप लोग BIT सिंधी का गवर्नमेंट कॉलेज या फिर आप लोग पलामी और यूसेट पर करना चाहते हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना सर्च कॉलेज करके ये सर्च जैसे करेंगे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा। फिर मान लीजिए हम कंप्यूटर साइंस क्लिक किया, ठीक है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पर हम लोग सर्च कॉलेज करेंगे, तो सर्च कॉलेज करने के बाद देखिए यहाँ पर BIT सिंदरी, यूसेट हजारीबाग और गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज परामू जो आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जाके आप लोग यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे जाके चॉइस फिलिंग सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऐड हो गया, फिर यहाँ पे अपना जाके ऐड हो गया, और मान लीजिए हम लोग को इतना ही तक रहना होगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे आगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट का ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें हम लोग प्रेफरेंस भाई सारा चीज़ भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ तो हम पिछला वीडियो में बताए थे गाइस कैसे आप लोग चॉइस फिलिंग करना, तो अगर आप लोग डिटेल में सारा चीज़ जानना है तो वीडियो पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो में ज़्यादा नहीं क्लियर करें कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ सारा चीज़ आप लोगों को बता दिए थे, तो भाई फिर से आप लोग रिपीट कर दे रहे गाइस, आप लोग जो भी स्टूडेंट को जो भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसमें आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद आप लोगों के पास रिफंड प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आएगा। तो बहुत सारा डाउट आप लोगों क्लियर हो गया होगा, कुछ भी आप लोग डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि सारा चीज़ आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग ऐसा करके चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, रिफंड प्रोसेस के लिए अपना अच्छा से बैंक डिटेल्स भरिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल्स आप लोग अच्छा से भरिएगा कि बाद में आप लोग कोई दिक्कत ना हो, कुछ भी गलती ना हो, ठीक है। सब सारा चीज़ अच्छे से कीजिएगा कि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारा चीज़ बता दिया आपको, अभी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, फिर अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक 70% व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग वीडियो तक देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहे, आप लोग सपोर्ट करते रहे कि आप लोगों को सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।